सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्विक स्लैब का आज लेटेस्ट मेल आया है, वो काफी सारे लोगों को आया है एंड काफी सारे लोगों को नहीं आया है। सो यार, ये वीडियो उन दोनों ही लोगों के लिए जिनको मेल आया है एंड जिनको मेल नहीं आया है, क्योंकि इस वीडियो में मेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जिनको मेल नहीं आ रहे, उन्हें ऐसा क्या करना है जिसके थ्रू उनके चांसेस बढ़ जाए मेल आने के, में भी ये तरीका आपके लिए काम कर जाएगा। तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, हमें जाना है सबसे पहले तो उस मेल पे। तो यार, आज ही ये जो मेल है हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले जो है ये लोग बोल रहे हैं कि यार, आपके पास जो रिपोर्ट है वो हर 2 से 3 दिन के बीच में भेजी जाएगी, मे बी इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट एकदम 24 घंटे पुरानी भी नहीं होती, उससे भी थोड़ी ओल्ड होती है। ठीक है, सो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने आज कोई बैचेस कंप्लीट करे हैं, आज कोई बैच कंप्लीट करा है, तो वो याली इसमें काउंट नहीं होगा, वो आने वाले 1 या 2 मेल के बाद काउंट होगा अच्छे से, केयरफुली। ठीक है, ये चीजों का को ध्यान रखना है। तो ये कन्फ्यूजन तो एक तो हट गया। सेकंड बात कर लेते हैं यार कि भैया, ये जो माइलस्टोन हमने कंप्लीट करा है, यानी माइलस्टोन 1 माइलस्टोन 2, उसका क्या भैया, उसके पॉइंट भी इसमें ऐड नहीं हुए। हमने लेवल 1 का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, बट हमें उसके एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते, उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आज के कुछ खास और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि यार, मंथ खत्म होने वाला है आज के दिन, और आप लोगों को ये लोग बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपने लेवल 1, लेवल 2 और ट्रिविया को खत्म कर लो। ठीक है, जो भी लैब्स में अभी इश्यू आपको देखने को मिल रहा है, उन लैब्स के आगे इन लोगों ने डॉटेड जो है सर्कल्स बना दिए, ताकि आपको समझ में आ जाए उन्हें देखकर कि वाली लैब्स आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ जिस लैब के आगे रिक्वायर्ड नहीं लिखा है वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं, फॉर्म जो है वो क्लोज हो चुके हैं, अब जो है एक्सटेंड नहीं करे जाएंगे। सो यार, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये चीज का आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं नीचे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी कि आपने 2 बैच जो है लेवल 1 लेवल 2 के कलेक्ट कर लिए, 1 ट्रिविया का कलेक्ट कर लिया है और 9 स्किल बैच जो ये मेरे कलेक्टेड है। ठीक है, बात कर लेते हैं सी योर अर्नड आर्केड प्लस बोनस पॉइंट बिलो। ठीक है, ये चीज आप समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है और काफी ज्यादा जरूरी भी है समझने के लिए। बात कर लेते हैं, मेरे पास अभी लेवल 1 और लेवल 2 के 2 पॉइंट्स है। ठीक है, देन उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास लेवल ट्रिविया का जो है 1 पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट हो गए। बात कर लेते हैं हमारे पास जो है उसके जो स्किल बैच हमने कंप्लीट करे थे उसके 3 पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स जो है ये और इसका 2 पॉइंट, टोटल 5 और ये 6, और माइलस्टोन 1 जो मैंने कंप्लीट करा है उसका एक सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। माइलस्टोन 1 का जो है इसमें पॉइंट ऐड कर दिया गया है, 2 पॉइंट मुझे मिल गए। ठीक है, अब ये कैसे मिले भैया और हमारे में तो ऐड नहीं हुए। सो यार, एक चीज का ध्यान रखो, अगर आपने कल सारे बैचेस कंप्लीट करे या उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन पहले, मैं बेसिकली ये मान के चलता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन 72 आवर्स पुरानी रहती है। ठीक है, एकदम करेक्ट भी नहीं रहती है, 72 आवर्स पुरानी रहती है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके इसमें अभी भी 0 बता रहे हैं तो डोंट वरी, अभी जो है आपको उस चीज का पॉइंट नहीं मिला है, ये आपको आने वाले 1 या 2 मेल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वजह से काफी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है क्या सीन हो रहा है। तो यहाँ पे चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ पॉइंट्स का क्या सीन है। सो जैसा कि इनने लिखा है कि अगर आप 2 गेम्स, ठीक है, 1 ट्रिविया और 3 आर्केड पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हो 9 स्किल बैच कर, सो आपको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब मेरा मेल देखो, मैंने 2 गेम्स, 1 ट्रिविया और 3 स्किल बैच कंप्लीट कर लिए, तो मुझे उसका एक माइलस्टोन का पॉइंट दे दिया गया है। ऐसे ही आपके उसमें भी ऐड कर दिए जाएंगे, आपको प्रॉब्लम वाली दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हमको तो मेल में पॉइंट्स दिए नहीं है, अगर आपने 1, 2 या इसके 1 दिन पहले कंप्लीट करा है, सो अभी मेल में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ओल्ड दिखाई जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपके जो भी बैचेस है आपने जितने कंप्लीट करे वो मेंशन है। बात कर लेते, काफी लोगों को डाउट है कि क्या 30 स्किल बैच ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं? तो उससे ज्यादा भी आप बिल्कुल कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हो। ठीक है, बात कर लेते नीचे स्क्रॉल करके, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज आप argatefacilitor@google.com पे मेल कर आप बात कर सकते हैं और इन्हें बता सकते हैं कि हमें जो है मेल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये काफी अच्छा तरीका है कि आप इस पर्टिकुलर आईडी पे मेल करके उनको बताओ कि हमें जो है ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड नहीं करी जा रही है, तो काइंडली चेक एट योर एंड। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। एक तो तरीका ये हो गया, अब भैया दूसरा तरीका क्या है जो आप बता रहे हो? ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्लाउड स्किल की प्रोफाइल पे।
क्लाउडस्केल की प्रोफाइल पे जाके आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, इधर सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपका कुछ पेज इस तरीके से लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इधर जाके पब्लिक प्रोफाइल में नहीं, एक काम करता हूँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इधर पब्लिक प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पब्लिक प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे इधर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी एंड अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, वो सेटिंग्स के अंदर ही मिलेगा ऑप्शन, मुझे लगा था बाहर मिलेगा। सेटिंग्स पे आ जाते हैं अगेन एंड इधर आके हम प्रोग्राम पे क्लिक कर देते हैं एंड चलो जनरल पे क्लिक कर दो, जनरल, सॉरी गाइस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ पे थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे हम नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपका मेक श्योर करो कि ये दोनों पे टिक लगा हो, क्योंकि इसी से आपको जो है ओकेशनल प्रोडक्ट अपडेट्स, अनाउंसमेंट और अदर मेल्स जो है गूगल सेंड कर पाता है। और साथ ही साथ आप जो है सारी सर्विसेज को फॉलो कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को अगर आपको ध्यान रखना है तो इन दोनों पे टिक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रोफाइल पे। बात कर लेते हैं अगर आप लोगों का इन दोनों पे भी टिक है तो क्या करें भैया आप। सो यार एक और तरीका ये है कि मेक श्योर करो कि आपने आर्केड में सब्सक्राइब जरूर करा हो, अगर नहीं करा हो तो आप एक बार ट्राई कर लो। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें मेल्स नहीं आ रहे, ठीक है, ये चीज का ध्यान जरूर रखना कि अगर आपने आर्केड में सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसका भी वजह हो सकती है कि आपको मेल्स ना आए। सो ये चीजों का ध्यान रखना, इस तरीके से जो है आप कंफर्म कर सकते हो सारी चीजों को, मे बी ये तरीका वर्क कर जाए, नेक्स्ट मेल आपको आने लग जाए। बाकी मेल से इतना कोई लेना देना है नहीं, आपको चीजें आ रही प्रॉपरली समझ में आ रही है, आप गेम्स कंप्लीट कर रहे हो तो डेफिनेटली प्राइजेस भी मिलेंगे, बट फिर भी ये तरीका जरूर अपना लेना एंड काम जरूर कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहते हैं।